बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस्लामाबाद के सेक्टर G30 में लेके आए हैं। हमारे घर का विजिट है 10 मरला। ये घर जो है मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको घर का स्ट्रीट ओवरव्यू चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं घर की लेफ्ट साइड फुली कारपेट रोड है, इधर इस घर की राइट साइड है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं क्लोजली, जिधर जो है बाहर टाइल और स्टील है, स्टील की ग्रिल जिसमें जो है बीच में मिरर का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ हिस्से पे जो है वेदर शीट का इस्तेमाल है। ये आप नीचे आप देख सकते हैं इस घर का कार रैंप का एरिया। राइट साइड पे इसका जो है अभी ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल का मीटर इंस्टॉल है, वाटर बोर हुआ हुआ है। मेन आप इसका जो है डोर वर्क देख सकते हैं। घर के अंदर लेके चलते हैं हम आपको, तो ये चेक कर सकते हैं घर का गराज का एरिया है, जिसमें 3 बड़ी गाड़ियों की इजली पार्किंग, 2 फ्रंट पे और 1 इधर राइट साइड पे। इसके जो है गैलरी स्पेस पे भी जो है गाड़ी लग जाएगी पार्किंग पे। नीचे आप चेक कर सकते हैं इसका सेपरेट टैंक, और मेन आप इसके जो है 2 डोर देख रहे हैं। राइट साइड वाले की बात करें तो ग्राउंड पोर्शन का ड्राइंग रूम का है, सेकेंड जो है ग्राउंड और ऊपर वाले पोर्शन की एंट्रेंस है। गराज का ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसका सीलिंग वर्क। सबसे पहले हम आपको इसका ड्राइंग रूम विजिट करवा देते हैं। तो एंटर होते ही ये ब्लैक कलर आप चेक कर सकते हैं, स्टेप पे जो है ये ग्रेनाइट, और ये इसका ड्राइंग रूम का एरिया है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क फानोस के साथ डिजाइनिंग, नीचे इसका टाइल वर्क, और ये इसकी पार्टीशन हुई है जो कि टीवी लॉन्च के साथ कनेक्ट होती है। जो कि ये भी डोर आप देख सकते हैं मिरर और वुड के साथ डिजाइनिंग किया गया है। ड्राइंग रूम की इधर वेंटिलेशन, हाइटेड विंडो। घर की मेन हम आपको एंट्रेंस से दाखिल करते हैं, तो ये ग्राउंड और ऊपर वाले पोर्शन की मेन एंट्रेंस है। डोर वर्क आप देख सकते हैं। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टेयर्स ऊपर वाले पोर्शन के लिए, नीचे आप देख सकते हैं इसका जो है पाउडर रूम, ये कुछ स्पेस है एज ए स्टोरेज के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पाउडर रूम है। सेपरेट इंटरेस्ट जो है इधर से ग्राउंड पोर्शन की भी सेपरेट है ऊपर वाले पोर्शन की। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स जो है ग्राउंड पोर्शन में हम आपको एंटर करते हैं। ये एंटर होते ही आप इसका डोर वर्क चेक कर सकते हैं। तो ये इसका टीवी लाउंज का एरिया आता है। टीवी लाउंज का ऊपर आप चेक कर सकते हैं सीलिंग वर्क, नीचे इसका जो है वो टाइल वर्क, सामने इसकी जो है वो मीडिया वॉल है। इसके जो है स्पेस के सामने आप कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं खाली, तो जो है अभी 3D वॉलपेपर जो है वो इंस्टॉल होगा अभी। राइट साइड पे इसका जो है ड्राइंग रूम है, इसके बिल्कुल सामने जो है गेस्ट बेड, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ओपन टू स्काई गेस्ट बेड। हम आपको विजिट करवा देते हैं। गेस्ट बेड का नीचे आप सबसे पहले टाइल वर्क देख सकते हैं, ऊपर इसका सीलिंग वर्क, और इधर इसका साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। बाथ में इंग्लिश सीट लगाई गई है फुली, ऊपर तक जो है इसका वो हाफ जो है वो टाइल एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसकी। ये इसके कबर्ड्स गेस्ट बेड के, जी वर्ड्स। लेफ्ट साइड वाले की डोर की बात करें तो ये इसका किचन का 2 मास्टर, इसके जो है सामने मास्टर बेडरूम है। किचन हम आपको इसका विजिट करवा देते हैं। किचन का आप भी इंटरेस्ट डोर वर्क दे सकते हैं, हाफ मिरर और वुड के साथ डिजाइन, और ये इसकी किचन, किचन का चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे टाइल वर्क, और ये इसके कबर्ड्स वगैरह दे सकते हैं। लेफ्ट साइड पे इसकी जो है वो वेंटिलेशन किचन की, ऊपर सीलिंग वर्क, इधर जो है अभी बर्नल इंस्टॉल किया जाएगा, ऊपर इसका जो एग्जॉस्ट है। जी वर्ड्स, ये इसका सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम है ये। इंटरेस्ट डोर वर्क आप दे सकते हैं इसका। एंटर होते ही नीचे आप चेक कर सकते हैं टाइल वर्क, ऊपर इसका सीलिंग वर्क, लेफ्ट साइड पे इसके जो है कबर्ड, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। ग्रे सीट लगाई गई है, ये इसकी वेंटी चेक कर सकते हैं आप, फुली ऊपर तक जो है वो टाइल एग्जॉस्ट, ऊपर सीलिंग वर्क, वेंटिलेशन, और ये इसकी बैक गैलरी की एंट्रेंस है फर्स्ट मास्टर बेडरूम से ही। बैक गैलरी पे देख सकते हैं नीचे जो है वो टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है मार्बल का, और लॉन्ड्री की स्पेस इधर दी गई है।
ये इसका थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम है ये भी, इसका आप चेक कर सकते हैं ऊपर सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल वर्क, लेफ्ट साइड पे इसके लिए कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ बिल्कुल इधर अटैच बाथ, इंग्लिश सील लगाई गई है इधर ही। व्यूअर्स ग्राउंड पोर्शन में इसके जो है वो थ्री मास्टर बेडरूम, थ्री बेडरूम जिसमें से दो मास्टर हैं, एक गेस्ट है, ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, किचन है। ऊपर वाले पोर्शन में हम आपको इसके लेके चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स का डिज़ाइन, ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। लेफ्ट साइड पर इसकी जो है ग्रिल स्टील ग्रैंड स्टील की, और ये इसका स्टेयर्स की इधर जो आप देख सकते हैं इसकी वेंटिलेशन। एंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड पे इसका जो टेरेस का एरिया है, टेरेस पे नीचे आप देख सकते हैं इसका मार्बल का इस्तेमाल, ऊपर आप देख सकते हैं इसका जो है वो डिज़ाइन सीलिंग, लेंटर है ये, और ये इसकी स्टील है और मिरर के साथ जो है वो ग्रिल जी। वर्ड्स इसकी हम आपको मेन एंट्रेंस से दाखिल करते हैं। राइट साइड पे इसका जो है ड्राइंग रूम का डोर है, और सामने जो है वो डोर मेन इसका डोर है, ग्राउंड पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन का सॉरी। तो ऊपर वाले पोर्शन में एंटर होते ही सबसे पहले इसका जो है वो टीवी लाउंज, टीवी लाउंज का आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग वर्क, फानूस, ये इसकी सामने मीडिया वॉल। राइट साइड पे इसका जो ड्राइंग रूम है ऊपर वाले पोर्शन का, ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, नीचे टाइल वर्क, और ये सेपरेट जो है डोर स्ट्रेट से सामने वाला डोर जो है सेपरेट है, साथ ही इधर इसके बिल्कुल अटैच बात है ड्राइंग रूम के ऊपर वाले पोर्शन के साथ। ये इसकी ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने जो है इसका ऊपर वाले पोर्शन का गेस्ट बेड, साथ ही इसके बिल्कुल ओपन टू स्काई, ये इसका गेस्ट बेड, ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, नीचे टाइल वर्क, लेफ्ट साइड पे इसके जो है कबर्ड, और इधर इसका साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। इधर इसका ऊपर वाले पोर्शन का किचन, किचन का डोर वर्क हाफ मिरर और वुड के साथ, और ये इसका ऊपर वाले पोर्शन का किचन, नीचे आप चेक कर सकते हैं इसका टाइल वर्क, और ये इसके कबर्ड, सामने इसका जो है बर्नल आप देख सकते हैं अब इंस्टॉल किया रहेगा, ऊपर इसका हुड, सीलिंग वर्क, ये इसकी वेंटिलेशन। ऊपर वाले पोर्शन का सेकंड जो है वो बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, इसका आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल वर्क, और इधर इसकी वेंटिलेशन, हाइटेड विंडो है, इधर इसके साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। इंग्लिश सीट लगाई गई है इधर, वेंटी आप देख सकते हैं, ये इसके कबर्ड्स हैं, बैक गैलरी की एंट्रेंस है इधर से ही। इधर भी आप देख सकते हैं नीचे जो है मार्बल का इस्तेमाल हुआ हुआ है बैक गैलरी पे। इधर इसका थर्ड मास्टर बेडरूम, एंट्रेंस डोर वर्क, नीचे आप चेक कर सकते हैं इसका टाइल वर्क और ऊपर सीलिंग वर्क, साथ ही इसके बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड पे कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ, वेंटिलेशन देख सकते हैं आप, ऊपर सीलिंग वर्क, एग्जॉस्ट जी। व्यूअर्स ऊपर वाले पोर्शन में इसके जो है वो थ्री बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन डिज़ाइन किया गया है टेरेस है साथ। सबसे ऊपर हम आपको लेकर चलते हैं इसके टॉप रूफ पे, स्टेयर्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका सेम है ग्राउंड पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन तक। लेफ्ट साइड पे इसके जो स्टील डिज़ाइन, स्टील की ग्रिल, ये इसके ऊपर वाले पोर्शन में ऊपर छत पे, ये इसका स्टोर रूम भी इसे बना सकते हैं, इसे आप एज ए सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, काफ़ी स्पेस है ये आप दे सकते हैं। नीचे इसका टाइल वर्क, साथ इसके कबर्ड्स भी दिए गए हैं, इधर इसका अटैच बाथ जी। वर्ष
वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, इधर भी हाइटेड विंडो दी गई है। और ये इसकी जो है छत की जो है वो एंट्रेंस डोर वर्क है इसका। छत पे आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है वो चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। इधर इसकी राइट साइड ये इसका सेपरेट टैंक, ये आप जैसे देख रहे हैं सामने वाला सेपरेट टैंक है। और ये इसका स्टोरेज के लिए भी स्पेस है। ये इसकी स्टोर रूम, इधर भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन भी दी गई है। व्यूवर्स इस घर की जो है वो डिमांड कर रहे हैं 5,75,00,000 डिमांड कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।